भांडोपुर में जिला स्तरीय खो खो सातरा वर्ग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 67वीं जिला स्तरीय खो खो सातरा वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडोपुर में समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि प्रधान ढोमी देवी राजपुरोहित मौजूद थी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भैराराम स्वाद्री मुख्य शिक्षा अधिकारी जालौर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल परियार, सरपंच मुनिया कंवर, पूर्व प्रधान राम प्रकाश स्वाद्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम स्वाद्री, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया, भाजपा के सुरेश वैष्णव, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी, पूर्व सरपंच दौलत सिंह, पूर्व सरपंच अजाराम स्वाद्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में आगंतुक मेहमानों का भामाशाहों द्वारा साफा मालाएं मोमेंटो देकर बहुमान किया गया। तत्पश्चात माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो जिला अध्यक्ष सिसोदिया ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए बालिकाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में अभिभावकों से आग्रह करते हुए खेलों को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीडीओ सौंदर्य ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बालिकाओं को खेल प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, इससे प्रतिभा को निखरने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि जो टीमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सुनी जाएगी उन्हें प्रदेश स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। बता दें कि जिला स्तरीय खो खो खेल 17 वर्ष 17 में 27 टीमें व 19 वर्षीय 17 वर्ग में 16 टीमों के कुल 516 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 17 वर्षीय 17 वर्ग का उद्घाटन मैच खेला गया जो झुंझाणी और मोकनी खेड़ा के बीच खेला गया, जिसमें झुंझाणी ने मोकनी को शिकस्त दी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पीओ नगाराम चौधरी ने आगंतुक मेहमानों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की सीख देते हुए सभी भावनाओं का आभार जताया। कार्यक्रम का मन संचालन शिक्षक भवर सिंह ने किया। इस मौके शारीरिक शिक्षिका रामेश्वरी, कैलाश देवी, लाल सिंह भुंडुआ, शैलेंद्र सिंह, देवाराम, थानाराम, गणेशाराम, पूजा, संतोष सिद्ध, द्रग सिंह, पारसाराम, रोशन खान, मदन सिंह, भवर सिंह, पीरे खां, तलसाराम, जगदीश, मोहन सिंह, भल्लाराम, करनाराम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। परिवार के सोचने की शक्ति, हमारे परिवार के मुखियों के सोचने की शक्ति को हमने एक दायरे से बाहर लाकर एक निकाला कि नहीं, जिस प्रकार से इस भारतवर्ष को पुरुष प्रधान कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से हमारी नारी शक्ति भी कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कार्य कर सकती है, यह देखने को पिछले वर्षों में मिला है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय 19 वर्ष आयु वर्ग छात्र खो खो प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। जय हिंद।